ला देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी तुरंत हम लोग एक बहुत ही मेहनती स्टूडेंट, 2 मिनट का हम बस मिलवाना चाहते हैं आपसे। इसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ जो यहाँ पे एक रवि नाम के हैं, जो कि हमारे यहाँ सफाई का काम करते हैं, और बहुत वो भी माने ईमानदार हैं, बहुत मेहनत हम लोगों सेवा बहुत दिनों से कर रहे हैं, 5 साल से, और सफाई का काम करते हैं, इस कैंपस की सफाई प्लस माने हम लोग को भी बहुत मानते हैं, अभी यहीं पे रहते हैं बगल में, और उन्हीं के भाई भी यहाँ पे आके रहते थे, उनके भाई बहुत मेहनत करते थे, और मेहनत करते करते अभी जो है फाइनली समझिए कि आप लोग बोलते हैं ना कि हम बार बार बोलते हैं कि अगर गरीब है तो मेहनत करिए, वो लड़का जो है यहाँ पे रह के सफाई का काम करता था रवि, और उनके भाई भी जो है बहुत मेहनती थे, मेहनत करके पढ़ाई करते थे, अभी उनके भाई का सिलेक्शन जो होता है फाइनली हो गया है। तो नॉर्मली ऐसे सभी बच्चों का होता है, लेकिन समझिए कि ये रवि के भाई का सिलेक्शन हुआ, जिनके बारे में अभी हम समझा है, तो हम चाहते थे कि 2-4 मिनट के लिए आपसे बस मिलवा दें, क्योंकि ये स्टूडेंट खास एकदम है, ठीक है ना। तो इनका अभी बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। तो बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन हो गया, कितना बड़ी बात है। आ जाइए आ जाइए, मोस्ट वेलकम। आज हमको इतने बच्चों से हम मिले हैं, और हमेशा सफल बच्चे आते रहते हैं, मिलते रह... आ जाइए इधर आ जाइए, सफल बच्चे हमेशा आते रहते हैं और आकर मिलते रहते हैं, लेकिन आज आज हमको जितना खुशी हो रहा है इनसे मिलकर ना, और इनसे मिलवा कर, अरे खुशी खुशी, इनसे मिलवा कर इतना ज्यादा खुशी हो रहा है जितना आज तक हमको खुशी नहीं हुआ। अजय रवि, तो अजय बाबू, अजय इधर अजय, ये रवि हैं, ठीक है ना, खुशी खुशी, ये हमारे यहाँ इस साइड अजय, ये रवि हैं, और ये बहुत ही जुझारू मेहनती, और समझिए कि इस कैंपस की सफाई का जितना साफ सुथरा कैंपस आप देखते हैं उसके पीछे इन्हीं का हाथ रहता है। ये जो होता है बाहर भी देखिएगा तो हमेशा टाइम टू टाइम सफाई करते रहते हैं, यहाँ रहते हैं अपना, और इन्हीं के ये भाई हैं, बड़े भाई, इनको ये भी काफी हेल्प किया, और कैसे कैसे करके पिछले साल हमको लगता है 6 महीना हो गया ना, सुबह वाला बैच में थे आप लोग, अपना सुबह में, अभी 7 से 9 एक बैच चल रहा था इसके पहले, आपके जस्ट पहले, तो उस बैच में ये जो था क्लास करते थे, और हमको बहुत खुशी हो रहा है, अपार खुशी जिसको बोल सकते, आज तक इतना खुशी नहीं हुआ था। इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है तो लगता है कि चलो भाई सिलेक्शन तो हो रहा है, भगवान सबका भला करे, लेकिन इस बच्चे का सिलेक्शन से ना माने इतना खुश हो रहे हैं, समझिए कि एक छोटे से परिवार से इतना मेहनत करके लोग आगे बढ़े हैं, और इसके लिए हमको लगता है कि आप सभी लोग भी बहुत खुश हो रहे होंगे, खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप जो है बताइए इनको, 2 शब्द आप भी बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो पहले, यहाँ पे हेलो, यहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट हैं सभी को सुप्रभात। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, आप देख सकते हैं, मेरा छोटा भाई है, और ये लड़का बिल्कुल पॉजिटिव में रहता है। इसका सोच मैंने देखा पॉजिटिव है, भले ही मेरा छोटा भाई है तो मेरे सामने थोड़ा बदमाशी भी कर लेता है, तो मुझे सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। सोचते छोटा भाई गलती करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अपना जो भी एकेडमिक जो होता है, कोर्स होता है, डिग्री होता है, जैसे ग्रेजुएशन और पीजी बीएड, सब मैंने अपने घर पे रह के किया। जो भी होता है मैंने घर पे रह के किया, बस बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने का। तो कॉम्पिटिटिव जैसे कि सीटेट, एसटेट, बीपीएससी, ये जो भी एग्जामिनेशन होता है, तो मैंने घर पे रह के तैयारी कर रहा था। और मैंने देखा कि घर पे रह के जो तैयारी मेरी अच्छी खासी नहीं चल रही थी, तो मैंने छोटे भाई को बोला कि देखो मुझे पटना में आने की आवश्यकता है, मैं पटना में रह के तैयारी करूंगा तो ज़रूर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी कारण मेरा छोटा भाई बोला कि हाँ भैया आप चले आइए पटना। तो मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैंने सिर्फ 1 साल में
मेहनत करके और रिजल्ट दिया है। और मैंने यहाँ पे इस कोचिंग में VK सर से, मैंने यहाँ पे 1 साल से पढ़ाई कर रहा था। आज ठीक है भाई, कंटिन्यू मैंने नहीं किया, छोड़ छोड़ के किया, क्योंकि मुझे बीच बीच में एग्जामिनेशन था PG का। मैंने PG बेगूसराय से किया है, JD कॉलेज से, आप समझ सकते हैं। मेरा अपना घर समस्तीपुर जिला में है। तो मैं यहाँ पे आकर VK सर से मैं सिर्फ मैथ का क्लास करता था, यहाँ पे सिर्फ मैं मैथ का क्लास करता था। और सर ने हमारे भाई के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, सर ने मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। तो मैं सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ। और मैं मैथ के साथ साथ और भी बगल में बहुत सारे, मुसल्लपुर हाट है यहाँ पे, बहुत सारे कोचिंग है जहाँ से मैंने CTET और STET का तैयारी किया। क्योंकि CTET और STET में बहुत सारा सिलेबस होता है, जैसे कि CDP, जिसको आप जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, CDP जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेशन, और इसके बाद एक होता है पेडागोजी, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे EVS वगैरह होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस। इसके अलावा मैथ होता है, और इंग्लिश और हिंदी इसे पढ़ना पड़ता है। तो मैंने मैथ का क्लास यहाँ से किया है, और बाद बाकी जो भी विषय था मैं अलग से पढ़ता था। और सर मुझे बहुत हौसला दिए, बहुत हेल्प किए हैं, और इसलिए मैं सर का आभारी हूँ। और मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी लोग ऑफलाइन है और ऑनलाइन है, मैं सभी लोगों को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप अपने परिवार के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पापा जी प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका सैलरी 10,000 से नीचे है। आप समझ सकते हैं कि मैंने अपना पढ़ाई कुछ लोन लेकर भी किया है, जैसे BEd वगैरह होता है तो उसमें मोटा रकम की आवश्यकता होता है, उसमें कम से कम आपको 2 लाख रुपए चाहिए BEd करने के लिए। और मैं BEd ऐसे नहीं करने वाला था, मैं सिर्फ SSC का तैयारी कर रहा था। आप समझ सकते हैं, SSC तैयारी करना बहुत सस्ता है, उसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं पड़ता है, बस आपको मेरिट चाहिए, मेरिट बनाना पड़ता है। तो मैं BEd किया, और BEd करने का एक वजह था, मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ, बहुत काफी जबरदस्त वजह है BEd करने का। जब मैं गांव में था तो हमारे एक दोस्त थे, तो उनके पिताजी सरकारी मास्टर थे, पैसे वाले थे, उनका आलीशान बंगला था। तो संजोग से हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे हम। मैं लगभग 10-12 सालों से मैं सिर्फ पढ़ाने का काम करता हूँ स्कूल में, स्कूल कोचिंग। फिलहाल मेरा BPSC में सिलेक्शन हो गया है, तो हो सकता है कि कुछ लोग जानेंगे कि इनका BPSC में सिलेक्शन हो गया, तो अभी तक शायद पढ़ाने का नहीं। मैं फिलहाल कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ। मैं जब से सिलेक्शन हुआ हूँ, मैंने सारा काम प्राइवेट से जो भी था कोचिंग ट्यूशन मैंने छोड़ रखा है। तो हमारे एक दोस्त थे, तो उनके पिताजी उनको BEd करवाया, 2-2.5 लाख रुपया खर्च करके BEd करवाया। तो हमने उनसे पूछा, मेरे जो दोस्त थे उनको, बोले भाई साहब आपने तो BEd कर लिया, मुझे भी BEd करना है, कैसे होगा? तो उसने मेरा बैकग्राउंड, मेरा फैमिली सब कुछ जानता था, क्योंकि मेरे घर पे आता जाता था। उसने कहा, भाई साहब आपके बस में नहीं है BEd करना, ये पैसे वाले ही BEd करते हैं। तो मैंने उस दिन मन में ठान लिया कि मैं जिस दिन BEd कर लूंगा उसके बाद ही मैं इससे भेंट करूंगा। आप समझ सकते हैं कि मैं जिस समय BEd नहीं किया था, तब से मैं उस मित्र से मैं भेंट करने नहीं गया हूं, मैं BEd कर लिया हूं और मुझे सिलेक्शन भी हो चुका है BPSC के माध्यम से, अब मैं उनसे भेंट करने जा सकता हूं। तो मेरा छोटा भाई है, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। और जहाँ तक कि मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करते करते 2-3 बार बीमार हो चुका था। मुझे एक बार डेंगू हो गया था, यही
ये जो आपका जो ये जो दिख रहा है, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, इस बोर्ड के ठीक पीछे मेरा रूम है। आप लोग कई बार गए होंगे तो हमको कोई देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, चेहरा से पहचानते होंगे या नहीं भी पहचानते होंगे। तो मुझे यहीं पे डेंगू हो गया था। मेरा भाई जो है छोटा भाई, चूंकि कहीं ना कहीं अभी 2-3 जगह ये काम करता है, ये PMCS में इमरजेंसी है, वहाँ भी काम करता है और यहाँ भी काम करता है। तो मुझे डेंगू में जो भी दवाई में जो भी मेडिसिन में जो खर्च हुआ, ये सारा खर्च इसने पे किया, मेरा छोटा भाई। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को मैं ये भी करना चाह रहा हूं कि आप अपने परिवार में भाईचारे को बनाए रखें। और आप समझ सकते हैं कि मैं छोटा भाई होकर मुझे इतना हेल्प किया है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, धन्यवाद। दो शब्द रवि से भी सुनेंगे हम लोग, ठीक है ना। रवि पे हमको बहुत प्राउड अभी फील हो रहा है, ठीक है ना। जितना भी कहा जाए वो सब शब्द कम पड़ जाएंगे इनके लिए, ठीक है ना। और देखिए, हम तो देखिए, आप लोग से हम तो इतना ही बोलेंगे कि आप लोग मेहनत करते जाइए, मंजिल तो खुद मिलेगा आप लोग का। और एक बात, और एक छोटा डायलॉग है मेरा, नहीं तीर से नहीं कमान से, सिर्फ आंधी चलता है तूफान से। आप लोग जितना ही कीजिए, आप लोग के खुद रास्ता और मंजिल मिलते रहेगा, मेहनत कीजिए, यही हमसे गुजारिश है। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। बैठिए ऑफिस में, ठीक है ना। ठीक है, ऑफिस में बैठिए, ठीक है ना। हमको लग रहा है कि आप लोग आज तक जितने लोगों से मिले होंगे उसमें सबसे बढ़िया आज वाला लगा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। और चलिए ठीक है, मिलते हैं। कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे कल का क्लास जो है बंद रहेगा। परसों 7 से 10% का क्लास रहेगा परसों। कल बंद है क्लास, ठीक है ना। ठीक है, ओके।